पिछवर्ड मीनिंग, इसी को हम ये पूरे जो हमारा जर्नी है इसमें हम जानेंगे कि एक एक वर्ड को कैसे, एक वर्ड के कितने मीनिंग्स होते हैं और इसको हम अपने मैनिफेस्टेशन के लिए कैसे यूज करते हैं, फॉर हेल्थ, फॉर वेल्थ, फॉर रिलेशनशिप। बेसिकली स्विच वर्ड सबके लिए यूज होता है। अगर आपका मूड खराब हो और अगर यू नो यू नीड टू चेंज द एनवायरनमेंट, यू नीड टू चेंज द एनर्जी, सबके लिए। सो इससे पहले मैं आपको कुछ प्रेयर्स कराना चाहूंगी। एवरीबडी प्लीज क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सहेल, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्राउन to the divine supreme god, divine father, divine mother, to our beloved teacher, jitne bhi aapke guru hain un sab ka naam lijiye, to all the respected teacher, to all the angelic kingdom, the switchword angels, to the angels of this group, please guide us throughout the session, let the intuition flows and let we all be introduced to this new subject, switch word, without any resistance. Thank you, thank you, thank you. Absorb the energy, take deep into your heart, inhale and fill your entire aura with this pink and goldenish color. Say thank you for this wonderful energy. Now, जितने भी लोग हमारे ग्रुप में थे उन लोगों को कल मैंने एक होमवर्क दिया था रिलीफ चैंट करने के लिए, राइट? सो रिलीफ जो है वो आई डोंट नो कितने लोगों ने चैंट किया होगा, एंड दिस रिलीज जो वर्ड है इसके बारे में मुझे, अगर किसी ने चैंट किया है तो दे कैन ओपन देयर माइक एंड देन दे कैन शेयर their experience, else I would like to go on with the session. कोई है जो शेयर करना चाहता है रिलीज के बारे में? Yes, madam. Well, this is our first class. Yeah, this is our first class. But मैंने ये जो WhatsApp group है इसमें, okay, voice is not clear. पोस्ट बनाओगे आप मुझे अपना पीपीटी शेयर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जस्ट मैडम। हेलो, या 21 बार किया था मैंने, लेकिन आपने बाद में मैंने देखा आपने लिखा है 3 times से देख करना है 21 बार। हाँ, तो वो मैंने पहले देखा नहीं था इसलिए 21 बार किया था मैंने। उसके बाद मैंने ये भी लिखा था यू कैन चैंट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, बिकॉज ये सब, बिकॉज ये सब नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। दिस इज नॉट लाइक आवर वैदिक मंत्र जो 108 बार ही आपने चैंट करना है तभी रिजल्ट मिलेगा। yes. कुछ नहीं है। yes. ये कैसे? yes, yes. ये आज मैं बताऊंगी आपको। ओके, ओके मैडम, थैंक यू। Just give us few seconds. Sangeeta ji, you are paused now. Uh-huh. Okay. आप सब देख पा रहे हो मेरा पीपीटी? Yes, ma'am. भयंकर बात जो था वो दिन पंजाब का मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मैं किसी कभी व्यक्ति के संपर्क में आया, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने नहीं। कर दोगे आप? मेरे को दिख नहीं रहा है आपको। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा बिना मास्क लगाते हुए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे पीछे क्या आ रहा है पता नहीं, वॉइस आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए सबको। मिनट, सबको म्यूट कर दीजिए मैडम।
आई थिंक पूनम जी ने कर दिया. पूनम जी म्यूट कर दोगे आप? हाँ जी बिल्कुल, प्लीज कैरी ऑन. ओके, सो स्विचवर्ड जो है वो जेम्स मैगन करके एक फाउंडर है, बट बहुत वो बहुत पुराने थे. बट अभी जो हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो केट मिलर का है, जो आसान तरीके से बताती है कि हाउ टू चेंज योर एनर्जी, हाउ टू शिफ्ट योर वर्ड्स. एंड यू नो इट्स एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम लोगों के पुराने जमाने से बोले आ रहे हैं कि पहले सोचो फिर बोलो. क्यों? क्योंकि हमें ही नहीं पता होता कब सरस्वती माँ हमारे मुंह पे बैठी होती है और वो बात सच हो जाता है ना. तो उस हिसाब से हमारे मुंह से निकला हुआ हर एक वर्ड के अंदर एक एनर्जी होता है, उसमें एक शक्ति होती है, उसी को स्विच वर्ड बोलते हैं. अब वो चाहे आप किसी भी मूड में बोलो, जब आप बहुत गुस्से में हो तब भी बोल सकते हो, जब आप बहुत ज्यादा यू नो व्हेन यू आर इन अ वेरी हैप्पी मूड तब भी बोलते हो. बोलना तो हम बंद नहीं करते हैं, बट मैनिफेस्टेशन कैसे करना है वो एक कला है. राइट नाउ एनी वर्ड इज अ मंत्रा प्रोवाइडेड यू स्पीक विथ ट्रस्ट एंड फेथ. ट्रस्ट एंड फेथ तब होता है व्हेन यू अलाइन योरसेल्फ विथ योर डिवाइन. राइट, एंड ये जो अलाइनमेंट है वो कैसे होता है, द पर्सन इज इन टच विथ हिज ओन डिविनिटी. हम सबके अंदर एक यू नो लाइक गॉड है, हम सब वो मानते हैं, बट उसको हम महसूस कब करते हैं? उसको हम महसूस करते हैं जब हम बिल्कुल शांत होते हैं. राइट, जब आप गुस्से में होते हो तब तो आप भगवान को नहीं याद करते हो इतना, तब तो आप यू नो इट्स लाइक यू आर स्टार्टिंग क्रिटिसाइजिंग अदर्स. राइट, तो तब अगर आपको बोले कि भाई शांत हो जाओ तो थोड़ा टाइम लगता है. राइट, एट दैट टाइम यू आर नॉट अलाइन टू योर डिविनिटी. सो उस टाइम में आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी ले लो वो वर्क नहीं करता है जब तक आप बिल्कुल शांत होके अपने अंदर का जो आत्मा है उसके साथ एकजुट होके जब तक आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी को यूज नहीं करते हो वो चीज पूरी तरीके से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे. व्हाई? बिकॉज यू आर रेजिस्टिंग समथिंग. इसीलिए मैंने रिलीज चैंट बोला था, क्योंकि ऐसे इतने सारे एनर्जीज हमारे अंदर होते हैं, जब आप रिलीज 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 चैंट करते हो तो आपके अंदर का इतने सालों का गुस्सा, इतने सालों की नेगेटिव वाइब्रेशंस, चाहे कुछ भी हो, वो सब ब्लॉकेज क्लियर करते हैं. तो व्हेन यू स्टार्ट चैंटिंग रिलीज इट विल क्रिएट मोर मैग्नेटिक एंड रेडिएटिंग ऑरा इनसाइड विद इन यू. राइट, सो हमारा दो तरीके के गोल होते हैं, हमें नहीं पता होता है. हम लोग जो इनर गोल है दैट इज डिफरेंट, जो आउटर गोल है दैट इज डिफरेंट. राइट, सो आउटर गोल और इनर गोल क्या होता है? इनर गोल इज हमारे सोल का जो गोल है, हम लोग अभी जो पैदा हुए हैं उसका एक गोल है, हमारा एक अपना लाइफ प्लान है कि हम ये पाने के लिए पैदा हुए हैं. बट ड्यूरिंग दिस जर्नी बिकॉज ऑफ दिस माया दिस इल्यूशन वी ऑल फॉरगेट दैट गोल. और हमें अल्टीमेटली क्या हम लोगों को मिलता है? आउटर गोल पे हम ज्यादा फोकस करते हैं विच इज फिनेंस, यू नो ऑल काइंड ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग. शादी टाइम पे होनी चाहिए, बच्चा टाइम पे होनी चाहिए, बच्चा पैदा होने से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि उसने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये सब चीजें, दीज आर ऑल आर आउटर गोल. बट वेन यू नो वेन यू अलाइन दिस इनर एंड आउटर गोल इन वन अलाइनमेंट, जब वो दोनों ही एकजुट होके एक गोल बन जाता है, और जब आपका इमोशन डिटैच नहीं होता है दोनों में से, उस टाइम पे वेन यू चैंट एनी हीलिंग मोडालिटी यू कैन मैनिफेस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. दैट इज हाउ द थिंग्स वर्क. वो हम कैसे करेंगे वही ये पूरे जर्नी में हम बताएंगे. राइट, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर अ लेडी हर हस्बैंड कैन बी अ स्विच वर्ड.
आप जिससे बहुत प्यार करते हो, राइट, दैट माइट बी इवन योर मदर, दैट माइट बी इवन योर फादर, दैट माइट बी योर बेस्ट फ्रेंड, एनीबडी, जो आपको लगता है कि उसकी आवाज अगर मैं 5 मिनट सुन लो तो मेरा जो अभी का जो बिगड़ा हुआ मूड है वो सही हो जाएगा, जिसको आप जिसकी आवाज सुन के आपको लगता है कि मैं शांत हो जाऊंगा, उनका नाम इज योर स्विचबोर्ड, राइट। लाइक बहुत लोगों को, जैसे बच्चे लोगों को होता है ना, एग्जाम जाने से पहले बहुत डरते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई अच्छा गणेश जी का नाम ले ले, हनुमान जी का नाम ले ले, माता रानी का नाम ले ले, तो ये सब क्या है, ये सब स्विचबोर्ड है। या मम्मी का एक टक टाइट हग कर लो ताकि उनके अंदर वो वाइब्रेशन आ जाए, उस टाइम का जो एक उनका नेगेटिविटी जो है जिससे वो काम करने से डरते हैं वो शांत हो जाए, राइट। सो दैट ऑल दीज थिंग्स आर ऑल स्विचवर्ड्स। इंटेंशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंशन, व्हेन वी से यू नीड टू फोकस ऑन योर इंटेंशन देन ओनली स्विचवर्ड विल वर्क, है ना। मेरे को बहुत लोगों ने इवन दैट वेबिनार में भी बोला था कि मैं बहुत महीने से स्विचवर्ड चैंट कर रही हूँ, ये नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, बिकॉज जब आप गूगल करोगे 12 स्विचवर्ड आते हैं आजकल, तो सबके लिए गूगल बाबा इज देयर, राइट। सो यू कैन जस्ट सर्च फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग एंड देन यू विल गेट सो मेनी कलरफुल switchwords with different kinds of words, the meaning also you will not understand, so like that, usme se unhone kuch uthaya apne problem ke liye aur wo 2 mahine se chant kar rahi hai jo ho nahi raha. So now switchword ek aisi cheez hai jo agar 2 din se zyada, ya matlab within you can say week to bahut zyada bol rahi hu, 4-5 days se zyada agar nahi ho, so that word is not meant for you, because switchword bahut time nahi leta bilkul bhi, wo instantly kaam karta hai. Agar wo nahi kar raha hai iska matlab aapne jo word choose kiya hai wo galat hai, aapke liye wo resonate nahi kar raha, basically word is not incorrect, wo aapke energy ke sath resonate nahi kar raha, so you need to change the word, because so there are so many words which has got same meaning. उस जैसे मैं भी आगे आते आते आपको बताऊंगी एक वर्ड के कितने मीनिंग होते हैं, ये तो एक यू नो नॉर्मल है, राइट। लाइक बहुत सारे इंग्लिश वर्ड के भी एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बट हम उसी टाइम में यूज करते हैं जब यूज करना चाहिए, तभी उसका मतलब बनता है, तो स्विचवर्ड भी ऐसे ही होता है। एंड कभी भी जब आप स्टार्ट करते हो कोई भी हीलिंग मोडालिटी, और नॉट ओनली स्विचवर्ड, बहुत बड़ा सा गोल मत लेना, क्योंकि क्या होता है आप अपना फेथ डेवलप कर रहे हो उस मोडालिटी के लिए, तो स्टार्ट विद छोटा छोटा विश, स्मॉल स्मॉल विशेस, सो दैट यू विल बिल्ड अप योर ओन फेथ, योर ट्रस्ट कि अच्छा ये काम कर रहा है, देन वो जैसे जैसे वो मैनिफेस्टेशन पावर आपके अंदर आती रहती है, यू विल बी गेनिंग दैट कॉन्फिडेंस, दैट इंटरेस्ट टू यूज दैट मोडालिटी मोर एंड मोर, ताकि हर एक मैनिफेस्टेशन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। एंड कभी भी बहुत सारे विशेस लेके मत बैठना, यू विल गेट स्कैटर्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपसे पढ़ाते पढ़ाते अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने दोनों बच्चों को भी संभाल लूँ, पति को भी संभाल लूँ, बिल्ली को भी संभाल लूँ, आपको भी संभाल लूँ, नहीं होगा, राइट। तो इट्स लाइक जब आप एक चीज में बैठे हो, एक विश चाहिए आपको, एक ही पे पहले फोकस करो, उसके बाद जब आपको लगता है आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छा हो गया है एंड नाउ यू आर बिकम कॉन्फिडेंट इन इट, तो यू कैन कैरी ऑन विद 3 wishes. उससे ज्यादा तो वैसे भी हम बोलते नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप कर लोगे विशेस पूरा, तो दैट विल बिकम एन ऑटोमेटिक सीरीज फॉर यू। व्हाई स्विचवर्ड गिव इंस्टेंट रिजल्ट्स टू सम
एंड डिलेड रिजल्ट्स टू अदर्स. कुछ लोगों का मिनट्स में रिजल्ट आ जाता है, कुछ लोगों का बहुत दिन बाद भी नहीं आता है या डिले रिजल्ट आता है. सी, मैनिफेस्टेशन किसको चाहिए, विश किसका है, मेरा नहीं है, मेरा अलग है, आपका अलग है ना. जैसे अभी सुषमोय, राइट, सुषमोय का अलग है एंड दीपिका का अलग है. तो वी ऑल कैरी डिफरेंट वाइब्रेशंस, वी ऑल हैव डिफरेंट विशेस जो पूरा करना है. सो हम लोगों का क्या है, जब अलग अलग विशेस होते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस पावर भी अलग होता है. हम किसको रेजिस्ट कर रहे हैं, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे स्विचबोर्ड नहीं सीखना है, दैट इज अ रेजिस्टेंस. मुझे या मैथ्स नहीं सीखना है, मेरे को मैथ्स जैसे ही आप लोग बोलते हो मेरा माइंड शट हो जाता है. तो दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी ब्लॉक्ड योर कॉन्शियसनेस, है ना. दैट मीन्स यू आर नॉट अलाउिंग योर सेल्फ टू फ्लो फ्रीली एंड टू गेट द नॉलेज. सो कुछ लोग होते हैं जो बहुत फेथ कर लेते हैं, मैम आप जो बोलोगे वो कर लूंगी. तो वो जैसे ही हम बोलते हैं, वो लिखते हैं, वो हो जाता है. कुछ लोग हो जाते होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करने आते हैं, अच्छा होता क्या है, अच्छा ये जो मैम बोलती है ये ऐसी थोड़ी हो जाता है. तो उसमें क्या है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग. वो अपना जेल जो है वो खुद बना रहे हैं. हम में से कोई कुछ नहीं कर रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. वो अपना जो डोर है ये सब नेगेटिविटी सोच सोच के खुद शट कर रहे हैं. तो ये जो स्विचवर्ड चाहे कितनी बार भी चैंट करे, उनके ऑरा के अंदर जाएगा ही नहीं, तो वो मैनिफेस्टेशन होगा ही नहीं, राइट. सो रिलीज चैंट करने से क्या होता है, यू स्टॉप टू कंट्रोल द सिचुएशन. कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल करना छोड़ देते हो. हम लोगों को क्योंकि आदत है हर एक सिचुएशन को कंट्रोल करना, जो आजकल कोविड आके सबको बदल रहा है ना. कोविड क्या सिखा रहा है हम सबको, इतना पेशेंस कि 10 से 14 दिन तक हम लोग एक कमरे में रहते हैं अगर कोविड हो गया तो इतना पेशेंस चाहिए हम लोगों को, है ना. सो दैट इज एक्चुअली टेस्टिंग आवर रेजिस्टेंस पावर. तो रिलीज इज व्हाट, you are just releasing your own points of views, your own jails and traps which we all have created and we are surrounded by that. ताकि हम लोग अपने आप को इतना जोर से शट कर लेते हैं कि हम we feel safe in that comfort zone. तो उस टाइम पे स्विचवर्ड नहीं काम करेगा. You need to be resistance free, you need to be free to flow in this magical world. It's a magic. क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि आपने बस चार पांच इंग्लिश के अक्षर बोल लिया और हो जाएगा आपका मैनिफेस्टेशन. बट इट हैपन्स, राइट. सारी विद्याएं जो है हमारे यूनिवर्स में है, ये सब अपरित विद्याएं बोलते हैं. तो ये सब विद्या इसलिए होती है कि हम अपने रेजिस्टेंस को निकालें एंड इसको यूज करें फॉर आर ओन बेनिफिट. किसी और के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, है ना. तो दिस इज लाइक इट विल क्लियर ऑल योर नेगेटिव माइंडसेट एंड इट विल प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स मैजिकली. एंड वन मोर थिंग, when I say release, be detached to the outcome. Because abhi itte sare logon ke jobs nahi hai, which is very very sad, but at the same time bahut logon ka financial up bhi hua hai, right. So jab ye bolte hain ki mujhe job chahiye, chahiye chahiye, agreed, स्विचवर्ड दे दो, दे दिया, नहीं हुआ, क्यों,
क्योंकि चाहिए 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 इतना मजबूत हो जाता है कि हम उसको अपना एक जेल क्रिएट कर देते हैं एंड वी डोंट नो हाउ टू डिटैच फ्रॉम दैट मैनिफेस्टेशन. हमें नहीं समझ में आता है, हमें दूर से थोड़ा 3D एंगल में देखते हो तो वो जल्दी हो जाएगा, बिकॉज वो जब चाहिए होता है देन अगेन यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन दैट सेम शेल ऑफ नेगेटिविटी एंड यू आर नॉट अलाउइंग योर मैनिफेस्टेशन टू हैपन इन अ मैजिकल वे. So you need to, these are all I'm giving you the gist of this whole manifestation power. Detach yourself. You should not control the situation. Just play with the words in a very cool way. Like nursery ka bachche ko jaise ABCD sikhate ho to kitna, you know, maze se ya rote hue ya jaise bhi ho wo karta hai. It's like that. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, सब कुछ अपने तरीके से करता है. तो इट्स लाइक दैट स्विचवर्ड का जो है अपने तरीके से आप सब यूज करो और इस जर्नी को एंजॉय करो और विदाउट एनी रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस मीन्स मैम मैं ये करूं तो कितने टाइम में करूं, नो टाइम बार, बिकॉज ये दीज आर नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स. ये सिर्फ आपका वाइब्रेशन के लिए, दीज आर ऑल फॉर योरसेल्फ. आपने डिसाइड करना है कि आपको कितना करना है. आप खुद ही डिसीजन मेकर हो आपके लाइफ का, कोई और आके कुछ नहीं कर सकता, राइट? लाइक काउंट मींस सबके माइंड में क्या आता है, काउंट इज लाइक काउंटिंग, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिस्काउंट, ये सब काउंट 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 इज फॉर मनी, है ना? सो काउंट इज फॉर मनी, बट एट द सेम टाइम काउंट इज फॉर ऑल्सो रिड्यूसिंग योर एडिक्शंस. एडिक्शंस मे बी स्मोकिंग, एल्कोहल, राइट? सो तब उस टाइम के लिए आपको क्या करना है, इसीलिए बोलते हैं कि इंटेंशन अपना बना लेना. क्योंकि अभी चलते चलते मैं आपको एनर्जी सर्कल कैसे बनाना है सब बताऊंगी. तो जब भी आप ये काम करेंगे, स्विचबोर्ड के बारे में जब भी सोचोगे, पहले आप इंटेंशन पुट करोगे कि आप ये क्यों कर रहे हो. काउंट क्या, आप जैसे मैं 2 दिन से कर रही हूं, चाय मेरे को नहीं पीना है. तो आई एम चैंटिंग काउंट 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 टू स्टॉप माई टी, या टू यू नो, जब मैं काउंट करती हूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं से कोई हीलिंग आ जाती है, कहीं ना कहीं से कोई पत्री दिखाने आ जाता है, क्योंकि उससे पैसे बढ़ता है ना? तो वो इंटेंशन क्या है, उसको आपने स्विच करते रहना अपने माइंड में कि अच्छा मैं अभी काउंट पैसे के लिए कर रही हूँ, अच्छा मैं अभी काउंट मेरे बच्चे के मोबाइल एडिक्शन कम करने के लिए कर रही हूँ, अच्छा मैं अभी कुछ और के लिए कर रही हूं, लाइक दैट, राइट? ये सब सिंगल वर्ड है. अभी मैं आपको सिंगल वर्ड आज कुछ दूंगी, उसके बाद हम इस जर्नी में जो है और डिटेल में जाएंगे. एनर्जी शिफ्ट कैसे होता है, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी. नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करते हो, व्हेन अ पर्सन इज हाईली नेगेटिव, मतलब कोई भी काम करे पहले ये सोचना है कि मुझसे नहीं होगा, ऐसे बहुत, बिकॉज वी आर ऑल ट्रेन्ड लाइक दैट, है ना? हमारा वो पैटर्न बन गया है, हम वो ऑटोमेटिक मोड में चले जाते हैं, है ना? और हमारा माइंड, इसको बोलते हैं इन साइंटिफिक वर्ड, ऑटोमेटिक पायलट पे चले हो जाता है हमारा माइंड, कि जब भी कुछ होता है उससे पहले ही हम अपना एक बैरियर बना लेते हैं, ये मुझसे नहीं होगा, है ना? तो दैट इज सुप्रीम नेगेटिविटी. अब उसको पॉजिटिविटी में कैसे चेंज करोगे, यू नीड टू चैंट गोल्डन सनराइज. गोल्डन सनराइज वुड मीन्स व्हाट, लाइक सन इज द king of the solar system,
है ना, उसको यू कैन विजुलाइज, बिकॉज हमारे माइंड में क्या है, हम लोग विजुलाइजेशन के साथ चलते हैं, क्योंकि वी ह्यूमंस आर लाइक, जब तक मैं पीपीटी नहीं दिखाऊं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इट्स लाइक दैट, है ना, जब तक आप विजुअलाइजेशन नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा, सिर्फ मैं इसको बंद करके बोलती रहूं तो वो नहीं आएगा. तो यू कैन विजुअलाइज लाइक अ गोल्डन सनराइज इज राइजिंग इन फ्रंट ऑफ यू. दिस थिंग कैन इंस्टेंटली चेंज हिज और हर एनर्जी सिस्टम, उसका ऑरा जो है पूरा गोल्डनिश बन जाएगा. सो the mood, the negative person will become positive. Then negative energy to neutral energy. When a person is highly, just a second, when a person is highly negative, then switch word smile can help, but for a few seconds. क्योंकि इसको न्यूट्रल एनर्जी है, इट्स नॉट सो पावरफुल एज कंपेयर टू गोल्डन सनराइज. स्माइल इज इंस्टेंट स्माइल, लाइक अ बेबी का स्माइल देख के आप, हम भी खुश होते हैं, है ना, जब किसी बच्चे से मिलते हो तो वी ऑल गेट दैट वॉर्म्थ, वो अच्छा लगता है हम लोगों को. जब वो हंसता है तो हम लोग अपने आप से हंसने लग जाते हैं, है ना, दैट शिफ्ट कम्स फ्रॉम दैट मैजिकल स्माइल. तो ये स्माइल एक, दीज आर डिफ्यूजिंग वर्ड्स जो इंस्टेंट काम करता है. डिफ्यूजिंग वर्ड्स क्या है वो हम करेंगे इन द फॉलोइंग सेशन. दीज काइंड्स ऑफ स्विच वर्ड्स आर कॉल्ड डिफ्यूजिंग वर्ड्स, दे नलिफाई नेगेटिव एनर्जी बट अनेबल टू क्रिएट अबंडेंट पॉजिटिव एनर्जी. मीन्स बहुत देर तक नहीं रहता है, इंस्टेंटली ये वर्क करता है और ये चेंज करता है बस. Neutral energy to positive energy. This is rainbow. When a person is, you know, na khush hai, na happy hai, na sad hai. Bas aise baith ke normal jaise TV dekh rahe hain waise dekh raha hai. And you know, agar kisi ko lagta hai ki bhai main iska, as I told you, you need to play with these words. To aap chant kar sakte ho. Rainbow, rainbow, rainbow. Huh? And then you can see the change. Because rainbow means again, hum pura wo vibgyor dekh lete hain. So it is like, sare color hote hain usme to. So when you project all those colors, so then, you know, the aura, the system, the whole thing, the surrounding becomes very vibrant. And आजकल जैसे न्यूज खोल लो तो बस एक ही चीज आता है, तो उसको अगर चेंज करना है पॉजिटिव टू न्यूट्रल, लाइक व्हेन अ पर्सन इज इन अ पॉजिटिव मूड देन सैड न्यूज फ्रॉम टीवी कैन टर्न डाउन इनटू, फिर हम बोलते हैं ओहो देखो इंडिया में ऐसा हो गया, यूएस में इतना ज्यादा हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, लंडन में वैसा हो गया, यही चीज बोलेंगे. देन हम लोग क्या करें, हमारे ओरा में क्या क्या चेंज हो रहा है वो हमें नहीं पता है, पर हम लोगों का पूरा मैनिफेस्टेशन पावर इज गेटिंग श्रिंक, क्योंकि हम सैड न्यूज देख रहे हैं, सैड मतलब अपने अंदर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, है ना. तो देन द पॉजिटिव एनर्जी टू नेगेटिव एनर्जी में क्या आएगा, व्हेन अ पर्सन इज अ पॉजिटिव मोड देन सैड न्यूज आता है, सो वो फाइनली डिप्रेसिव के लिए यू ऑल कैन चैंट द अबव लिस्टेड words, golden sunrise, smile, rainbow. ये तीनों ही है, तीनों ही अपने अपने लेवल में काम करते हैं. गोल्डन सनराइज मैं आपको वर्कशॉप में कराऊंगी, एनर्जी सर्कल में कैसे करना है. वर्कशॉप में मेरे को अगले क्लास में, यू पीपल प्लीज कम विद क्रेयॉन्स, विद पेपर, विद पेंसिल, एवरीथिंग. क्योंकि उसमें क्या है, हम कलर्स के साथ खेलेंगे, कैसे कलरिंग, कौन सा कलर या गोल्डन सनराइज ही करना है वो आप खुद करोगे. कोई मतलब मैं आपको ऐसा ट्रेन कराऊंगी कि आपको बार 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 कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, कोई यू नो हमेशा डाउट में नहीं रहना, मैम ये कैसे काम करेगा, मैम वो नहीं चाहिए,
आपको इतना अच्छा हम एक टीचर बना देंगे कि आप खुद स्विच वर्ड सबको सिखा सकते हो. बेनिफिट्स ऑफ स्विच वर्ड, हम सबको पता है कि यू नो कॉन्शियसली अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, बट सबकॉन्शियसली हम लोग क्या कर रहे हैं, सबकॉन्शियसली हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, है ना. कोई किचन में है, कोई ऑफिस में है, कोई किसी फाइल के अंदर है, कोई किसी और काम में है. हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर जगह फैल मतलब पूरा उसको स्प्रेड कर दिया. बट एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड इज द मोस्ट पावरफुल माइंड इन द यूनिवर्स. मतलब हम सब पावरफुल हैं अगर हम अब सबकॉन्शियस माइंड को काबू कर पाए तो, है ना. नाउ सबकॉन्शियस माइंड को कैसे काबू करना है उसको ही हम ये पूरे जर्नी में करेंगे. क्योंकि देखो मैनिफेस्टेशन जो है कॉन्शियस माइंड नहीं कर पाएगा, सबकॉन्शियस माइंड ही कर पाता है. जिसको हम लोग जो है अपने बहुत उसको काम में लगा देते हैं. तो यू वी ऑल नीड टू सेंटर आवर सेल्फ टू मैनिफेस्ट आवर विशेस, राइट. एंड स्विच वर्ड्स कैन बी यूज्ड ईदर बाय राइटिंग देम ऑन अ पेपर और बाय चैंटिंग देम लाउडली एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द situation. A single switch word can change your energy system to permit the universe to fetch out your wishes, desires, and you need to materialize. जैसे मैंने बोला wish fulfillment करके जब आप डालोगे गूगल में आपके पास पूरा सामान आ जाएगा स्विच वर्ड का. बट क्या आपकी जरूरत है इतना बड़ा बड़ा स्विच वर्ड चैंट करने का, इतना मेहनत करने का, या सिर्फ एक वर्ड से ही हो सकता है जो आपको चाहिए. इट्स अ चॉइस, है ना. कुछ कुछ लोगों को जो है यहाँ से लाइक मैं दिल्ली में रहती हूँ, आई डोंट नो कितने लोग कहाँ कहाँ रहते हो दिल्ली में. इट्स लाइक एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आप वो व्हाट यू कॉल दैट सर्कल पूरा ले सकते हो या एक शॉर्टकट भी ले सकते हो. तो वी ऑल हैव गॉट आवर फ्री विल कि हमें स्ट्रगल करके पढ़ना है या आसानी से पढ़ना है. दैट्स आवर चॉइस. थोड़ा बहुत मैं कलर के बारे में आज बताऊंगी. मास्टर स्विच वर्ड ब्रिंग. व्हेन आई से ब्रिंग, ब्रिंग का नॉर्मल डिक्शनरी वर्ड क्या है, कुछ लेके आना, है ना. तो ब्रिंग लेके आना हैज ग्रीन कलर एनर्जी. तो स्विच वर्ड में वी यूज ग्रीन कलर फॉर मैनिफेस्टेशन, राइट. एंड ब्रिंग हेल्प्स यू टू यूनाइट एंड कनेक्ट विथ योर गोल. कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए जैसे मैंने बोला इनर गोल आउटर गोल योर इंटेंशन योर सबकॉन्शियस माइंड ये सब क्या है, आपका कीवर्ड्स है. तो जब ये सब चीज इकट्ठा हो जाता है तो आपका विश जो है मैनिफेस्ट हो जाता है बिल्कुल आसानी से. सो यू नीड टू यूनाइट एंड कनेक्ट विथ योर गोल एंड फिनिश what you have started. Bring helps to shorten the time period of any goal and manifest quickly. जैसे आपके कर्म में है कि आपको जो है let me say what do you call, आपका आपने एक घर बुक किया वो दो साल बाद मिलेगा आपको. तो the thing is क्या पता कि वो जल्दी भी मिल सकता है, right? तो उस पीरियड को शॉर्टन करने के लिए वी चैंट ब्रिंग. कोई जॉब आजकल जैसे जितने लोग जॉबलेस हैं या मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम इतने सारे लोग आते हैं, किसी किसी की शादी हो सकता है कि वो 35 साल में ही हो, पर क्या वो अपने फ्री विल से कम और चीजें करके
क्या 30 साल तक करा सकता है? सो दैट शिफ्ट इज मेड बाय वर्ड ब्रिंग. ब्रिंग चैंट करने से जो दूरी है वो कम हो जाती है आपके गोल की मैनिफेस्टेशन का. मास्टर स्विच वर्ड ब्रिंग हेल्प्स टू बिल्ड प्रोड्यूस क्रिएट फॉर्म जनरेट अट्रैक्ट एंड पुल टूवर्ड्स यू मिराकुलसली. पुल मीन्स व्हाट? आपको अगर वो चीज चाहिए तो यू शुड हैव दैट एनर्जी पुल. वो एक आकर्षण शक्ति चाहिए कि वो मैनिफेस्ट कर ले, है ना? सो दैट पुल क्या कौन देता है? ब्रिंग. सो ब्रिंग यूनाइट्स यू टू योर गोल एंड मेक्स एन इजी पाथ. क्योंकि डिफिकल्ट तो देखिए, अब जैसे कि मैं अगर बोलूं कि लेबर्स हैं वो इतने हार्ड अर्न्ड बेचारे पूरे लगातार लगे रहते हैं, बट उनका चॉइस है वो कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ और इतने पैसे कमा रहा हूँ. और वही दूसरे बंदे का चॉइस है कि मैं स्मार्ट वर्क कैसे कर रहा हूँ, है ना? तो दैट इज आवर चॉइस. सो ब्रिंग क्या करता है? ये चॉइस को करेक्ट चॉइस में बदलता है. मास्टर स्विच वर्ड ब्रिंग मेक्स श्योर दैट द यूनिवर्स मस्ट डिलीवर ऑल देयर गुडनेस एट परफेक्ट टाइम. यूनिवर्स में तो अबेंडेंस पूरा भरा हुआ है. प्रॉब्लम किसके अंदर है? हमारे अंदर है. क्योंकि हम विलिंगली उस यूनिवर्स में तैरना नहीं चाहते हैं. तो हमारा जो रेजिस्टेंस पावर है उसको कम करता है ब्रिंग. ब्रिंग मेक्स यू अ मैग्नेट फॉर ऑल गुडनेस. सारे गुडनेस मतलब मैनिफेस्टेशन तो सभी कुछ हो गया ना. मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. तो दैट एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड बाय द वर्ड ब्रिंग. चार्म. चार्म बोलते ही कैसा फील होता है? इट्स वेरी सॉफ्ट, है ना? चार्म इज वेरी सॉफ्ट. चार्म इज ब्यूटिफुल. चार्म इज प्रिटी. चार्म इज ग्रेस. सो चार्म मीन्स पिंक एनर्जी. पिंक मीन्स फुल ऑफ लव. लव एंड वॉर्म्थ. एंड इट हेल्प्स अस टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स. मीन्स वो आपके हार्ट को ओपन करता है ना? When you say charm, like it actually works very good in relationship problems. क्योंकि relationship problems होता क्यों है? Because of our ego. मैं नहीं बात करूंगा, तू भी नहीं बात कर रहा है. तू गुस्से में है तो मेरा भी गुस्सा बढ़ा है. मैं क्यों झुकूं? All these kind of craps, है ना? तो इसमें क्या होता है? हम अपना heart को बंद कर देते हैं. इसको ओपन कौन कराता है? वेन यू फील, यू नीड टू फील इट. हाँ, चार्म. वेन यू फील एंड यू से चार्म, ऐसा लगता है कि यू नो सबके दिल के दरवाजे खुल गए हों. एवरीवन हैज समथिंग इन देयर डीप हार्ट टू मैनिफेस्ट. मैनिफेस्टेशन का जो कोर मंत्र है वो हार्ट है. क्योंकि हमारी जो डिजायर है वो यहीं से पैदा होता है. यहां से नहीं पैदा होता, यहां से होता है. यहां से तो हम ट्रैप कर देते हैं उसको. ज्यादा सोच सोच के ना हम अपना ही दायरा बना लेते हैं. बट जो ओपन करता है वो हार्ट है. तो चार्म हेल्प्स यू टू अट्रैक्ट योर जो भी डीप डिजायर हो. जैसे मैंने बोला आपको, आपका इनर मोस्ट डीप डिजायर जो भी हो उसको अट्रैक्ट करने के लिए चार्म हेल्प करता है. Those attract your deep desire. Those are sometimes unattended by your day. जैसे हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं अपने पूरे काम में कि we all fail to understand what actually we want. क्योंकि वो टाइम ही नहीं निकाल पाते हम अपने लिए कि हमें क्या चाहिए, है ना? तो वो चीज को वापस ट्रिगर करता है charm. Use charm to fulfill your inner wishes. Like मेरे को पास्ता खाना है या मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो सब क्या हो गया? Your outer goal.
बट इनर के लिए कभी कभार होता है यार आज मैं ये वाला मेडिटेशन कर लूं, या मैं आज मेरे चाचू से मिल के आ जाऊं क्योंकि बहुत दिन हो गया. तो ऐसा जब होता है तो इट्स लाइक यू नो बहुत दिन के बाद कुछ आपको लग रहा है कि आपने करना है, अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं. चार्म ओनली वर्क्स टू ट्यून इनटू योर ओन विशेस. किसी और का विशेस के लिए चार्म, नेवर यूज चार्म, राइट? सो चार्म इज द वर्ड टू एक्चुअली बी विथ योर सेल्फ लव. नेक्स्ट डिवाइन. Divine means God. Divine means the higher power, the supreme power. So master switch word divine. Divine मतलब जब हम ऊपरी vibration में जाते हैं तो उसका color होता है violet, right? So violet color is the energy for divine. And it creates miracles of all types. Divine, up, count divine, charm divine, bring divine. Divine को आप हर word में जोड़ सकते हो क्योंकि it's like you are getting the blessing of the God along with your wish. Use divine with any switch word, yeah, switch phrase, and you will notice the difference. Divine also means to raise above the ordinary and excelling in every aspect of life. Obviously, because वो भगवान का नाम है तो हम जब anger में होते हैं, जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो हम नीचे दब जाते हैं. उस vibration से ऊपर आने के लिए जब हम divine chant करते हैं you are immediately being pulled up. So this divine stands for excellent. Excellent become my word, but this is like out of the dictionary word. To do any work excellently and to achieve outstanding result, you can chant divine. When you say divine, even impossible things will become possible. Divine creates luck and a miracle. But एक चीज है, ये जो भी चीज मैं बोल रही हूँ, लक एंड मिरेकल या मैनिफेस्टेशन, ये सब आपके ऑरा से आ रहा है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. व्हेन योर ओन ऑरा वाइब्रेट्स इन वेरी हाई लेवल, व्हेन यू चैंट डिवाइन, देन दैट इज द टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशन. गोल्डन सनराइज टू एलिमिनेट लेजीनेस. बच्चा सो रहा है, उठ ही नहीं रहा है. आजकल तो वैसे ही जूम में चल रहा है सब, बट बच्चे उठ ही नहीं रहे. तो चैंट सनराइज टू यू नो टू एलिमिनेट लेजीनेस, लेथार्जीनेस या स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी, जो भी एक डार्क मोड में हम लोग आ जाते हैं उसको निकालने के लिए वी ऑल कैन चैंट सनराइज टू गिव अस अ शाइन, टू गिव अस दैट hope, that strength and the purity of spirit. Because sun kya karta, sun is our atma. In astrology we say na, wo atma hai hamara. So when you say sunrise, aapki andar ki atma aapko sone nahi dega, lazy nahi hone dega, because you have got work to do. Kuch kaam karne ke liye hum log paida hue na, to wo kaam ko wo jagayega. And perfect balance between conscious and subconscious mind, which through which we can actually radiate. हम लोग वो sun की तरह radiate हो सकते हैं. We can attain that positivity. And you know, when we become that positive vibration, जो भी हमारे साथ आता है उसको भी हम ऊपर उठा सकते. कुछ लोगों का होता है ना, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, है ना? तो दोस काइंड ऑफ वाइब्रेशन यू कैन गेट फ्रॉम सनराइज. टुगेदर. टुगेदर इज अ वेरी पावरफुल वर्ड. आज मैंने ग्रुप में टुगेदर चैंट करने को बोला था. टुगेदर मींस
किसी के साथ, है ना? टुगेदर मीन्स क्या, किसी के साथ ही तो होता है, अपने साथ कभी होता है? नहीं, हम सोचते ही नहीं है अपने साथ. सो टुगेदर क्या करता है, अपने अंदर, जो मैं इतने देर से बोल रही हूँ, अलाइन 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 विथ योर हायर सेल्फ, वो आपको अलाइन करता है विथ योर ओन हायर सेल्फ. सो टुगेदर इज अगेन स्काई ब्लू कलर, बिकॉज दीज आर ऑल हायर वाइब्रेशनल वर्ड. टुगेदर आपके और आपके अंतरात्मा, जीवात्मा, जितने भी ऊपर के आत्माएं हैं हमारे, सबको अलाइन करता है एंड हेल्प्स टू मास्टर एनी एक्टिविटी. बिकॉज क्या है, जब भी हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं, टू अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स, टू यू नो एक्चुअली विश पूरा करना, टू गेट रिड ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, to release ourselves from negativity, to achieve a positive pattern, jo bhi ho, jiska jo bhi reason ho. But when you chant together, your vibration changes immediately because we understand our own true quality, our importance. Hum kya hai? Together. So, jab हमारा माइंड क्या है, इधर भी चलता है, उधर भी चलता है, उधर भी चलता है, उधर भी चलता है. तो जब हम, जब मैं बोलूं कि आप सब काउंट चैंट करो, आपको पैसा मिल जाएगा कल तक, कभी अगर ना मिले तो चैंट टुगेदर. टुगेदर क्यों? क्योंकि यू विल बी सेट. आपका माइंड जो इधर उधर जा रहा है, उसको पूरा वो टुगेदर कर देता है. मतलब आप इधर रहो तभी आपको वो मिलेगा. जब आप हर जगह फैल जाते हो, नहीं हो सकता. तो टुगेदर इज यू नीड टू अलाइन या रीयूनाइट योर माइंड, योर सोल, योर स्पिरिट. सो ये पूरा एक चैनल में कर देता है वो. अर्थ एंड हायर दोनों को कनेक्ट करता है. बिकॉज व्हेन वी गो डीप इनटू स्पिरिचुअलिटी, हम बहुत लोग क्या करते हैं कि दे रेज अबाउ, बट हमें अर्थ में तो रहना ही है, ग्रेविटी तो चाहिए ही. तो ग्रेविटी पुल के लिए व्हाट वी डू, वी नीड टू ग्राउंड आवरसेल्फ. ग्राउंडिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दोनों को अलाइन करने के लिए वी चैंट टुगेदर. टुगेदर यूनाइट्स यू एंड गोल टू गेट थिंग्स डन क्विकली. Together divine, ये बहुत आपको मिलेगा स्विच वर्ड में. Together divine, together divine means I am aligning myself with the divine, है ना? जब हम पूरा सरेंडर कर लेते हैं यूनिवर्स को या भगवान को कि भाई अब आप ही हो जो भी है, तो फिर तो कोई चारा ही नहीं है, फिर तो काम होना ही है. Because there is no ego. You are just bending your ego and you are surrendering it. So together divine is helpful for, it's a stress relief, it's a manifestation power, aap kuch bhi bol sakte ho. So together divine is the actual gist of all the switch words. Jitne bhi bade bade phrase laga lo, kuch bhi kar lo, but together divine is for everything. Relationship problem ho, kuch bhi ho, together divine. बंदा फोन करेगा ही करेगा आपके लिए, बट फोन आने के लिए आपको अपना एनर्जी चेंज करना है, वो भी ध्यान रखना. आप गुस्से में चैंट करोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपने जिससे लड़ाई किया वो कॉल करे, तो नहीं होगा. बिकॉज वी आर रेडिएटिंग दैट एनर्जी. जब भी स्विच वर्ड आप चैंट करते हो, यू आर रेडिएटिंग दैट एनर्जी. सो स्विच वर्ड विल वर्क व्हेन योर माइंड इज एट पीस and you are not stressed out. जब आप गुस्से में होते हो, stressed होते हो, please switch word को मत chant करना. या stress के लिए अलग switch word है, वो मुझ सिखाऊंगी, वो chant करना है. For manifestation उस time में नहीं होगा, right? You should have only one intention at a time. Divine be present in my chanting.
डिवाइन क्या बोलता है, डिवाइन बी प्रेजेंट इन माई चैंटिंग एंड हेल्प मी टू मैनिफेस्ट, रेज अबाउ योर प्रेजेंट हिंड्रेंसेस फ्रीली। हम लोगों को जब होता है कि एक मैनिफेस्टेशन करना है, जैसे मैनिफेस्टेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तभी हमें मैनिफेस्टेशन करना है ना, तो वो प्रॉब्लम में हम लोग बिल्कुल ही अंदर घुल जाते हैं, तो उससे ऊपर आने के लिए वी चैट टुगेदर डिवाइन, क्योंकि जब तक हम उस प्रॉब्लम में हैं हम उसी मड में वॉलो कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारा मैनिफेस्टेशन इतना अच्छे से नहीं होगा जितना बाहर आके चैंट करने से होता है, तो डिवाइन उस चीज में हेल्प करता है, टुगेदर डिवाइन। अब लेट्स सी, अगर आप लोगों के पास पेपर पेंसिल सब है तो यू कैन जस्ट ड्रॉ अ सर्कल इन अ वाइट पेपर, हमेशा वाइट पेपर में करना है, एनर्जी सर्कल बोलते हैं इसको, एंड when you draw a circle your mind should be stress free, you should not be engrossed in the negativity, okay? to agar aapko lag raha hai ki abhi main bahut pareshan hu, to either chant together divine ya release for at least 10-15 minutes, then calm yourself, center yourself, take a deep breath, you can chant om also मन से ही, देन ड्रॉ द एनर्जी सर्कल, बिकॉज एनर्जी सर्कल इज योर ओन एनर्जी यू आर प्रोजेक्टिंग इन द पेपर। मैं आके आपके घर पे नहीं बना रही हूं, इट्स योर ओन एनर्जी। सो जब हम अपनी एनर्जी बनाते हैं तो हमें बिल्कुल प्यार से with the help of the divine, you can chant together divine also to seek the permission of the divinity. पहले हमें permission भी लेना होता है हमारे wish को पूरा करने के लिए, है ना, क्या पता वो wish हमारे लिए है भी या नहीं है हमारे कर्म में, हमें वो भी नहीं पता होता है, but we ask like a छोटा बच्चा, we all want everything, I want this, but भगवान कभी सोचता है कि भाई अभी तू तेरे लिए नहीं है ये, but we don't understand that, हमें तो चाहिए। So for that we need permission also, to uske liye bhi together divine please mujhe permit karo ye wish, main time se pehle hi mang raha hu par mujhe chahiye, to agar if he allows then well and good, let's all enjoy. So energy circle blue color, always use blue color. ब्लैक कलर क्यों होता है, रेड कलर क्यों होता है, ग्रीन कलर क्या होता है, वो सारे कलर्स हम आने वाले उसमें करेंगे, बट फॉर टुडेज सेशन ओनली यूनिवर्सल कलर दैट इज ब्लू कलर। ब्लू कलर से एक सर्कल बना लिया हमने, राइट अब वो सर्कल जो है कैसे होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ब्रोकन, the tip of the starting should actually एक circuit होना चाहिए, कहीं से वो energy leak नहीं होनी चाहिए, zigzag नहीं होनी चाहिए, it should be a proper nice circle, जब भगवान देखे तो देख के बोले very good, चलो मैं सब wish manifest कर देता हूं, ऐसा होना चाहिए, neat and clean, हमेशा switchboard should be neat and clean, बिकॉज जब आप कंफ्यूजन में रहोगे आपको वो विश भी मैनिफेस्ट नहीं होगा, कोई काटा पीटी नहीं, रबर से ऐसे सब नहीं, कुछ नहीं, इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, एंड पेपर में होल्स भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज सी इट्स एनर्जी, अगर होल होगा तो वहां से वो लीक भी हो जाएगा। नाउ राइट टूगेदर इन द कैपिटल फॉर्म, स्मॉल फॉर्म में कब यूज करना है वो हम बाद में बताएंगे, अभी टुगेदर इन द कैपिटल वर्ड। जो मैंने बोला अभी तक, लाइक टुगेदर का मैंने मीनिंग बोला आपको, डिवाइन का मीनिंग बोला, तो आप टुगेदर अलग लिख सकते हो, डिवाइन अलग लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो,
टुगेदर डिवाइन इकट्ठा भी लिख सकते हो, बट जब दो वर्ड लिखते हो तो बीच में हाइफन जरूर डालना है, क्योंकि इट्स अ लिंक, एनर्जी लिंक को हमें नहीं तोड़ना है. टुगेदर हाइफन डिवाइन इन द कैपिटल फॉर्म. दिस इज योर ओन पर्सनल स्विचवर्ड. आज का ये स्विचवर्ड है टुगेदर डिवाइन, राइट. इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? स्विचवर्ड को बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं. यू कैन चार्ज इन द वॉटर बॉटल. इसमें जैसे कुछ नंबर पेस्ट किया है, इसके जगह पे आप टुगेदर डिवाइन लिख के पेस्ट कर सकते हो विद द ब्लू पेन, नॉट विद द रेड पेन. ये किसी और एक्टिविटी के लिए था जो रेड चाहिए था, बट यू ऑल विल ओनली राइट इन ब्लू कलर. इससे क्या होता है, टुगेदर डिवाइन का जो जो प्रॉपर्टी मैंने बोला वो सब इस पानी में आएगा. जैसे अभी कोरोना का टाइम है तो हम पूरे फैमिली मेंबर को देने के लिए बॉटल में या एक्वागार्ड प्यूरिफायर में या कहीं पर भी यू कैन जस्ट स्टिक इट ऑन टुगेदर डिवाइन. एंड आप देखिए, स्टिक भी कर सकते हो, चैंटिंग भी कर सकते हो. ये अगर आप पूछोगे कि भाई मैम मैं एक ही चीज करूं या दो तीन चीज करूं, इट्स योर ओन एनर्जी, प्ले विद द वर्ड्स, कोई साइड इफेक्ट नहीं है. बट चैंटिंग इज ऑलवेज कम्स फर्स्ट. एट द सेम टाइम जब हम ऐसे लिख के फिर चैंट करते हैं उसकी वाइब्रेशन और बढ़ जाती है, क्योंकि हम ये पूरी फैमिली को दे रहे हैं, है ना. टुगेदर डिवाइन अगर आपने एक्वागार्ड में चिपका दिया तो वो जो भी पानी पिएगा उसके अंदर वो एनर्जी जाएगी. तो वी ऑल कैन चैंट, क्योंकि वो ये शिक्षा हमने प्राप्त की है तो हमें यूज करना है वो. तो वी कैन चैंट फॉर आवर फैमिली मेंबर्स एंड फॉर देयर वेल बीइंग. वाटर चार्जिंग मेथड बोल दिया, अंडर बेड मैट्रेस मेथड, अपने पिलो के अंदर, मैट्रेस के अंदर, ये जो अभी आपने एनर्जी सर्कल बनाया है इसको यू वी ऑल कैन कट, पेस्ट इट इन अ बिग याना कार्डबोर्ड, ताकि वो टेयर ना हो, कुछ ना हो, क्योंकि अभी शायद पतला पेपर होगा. जैसे भी आपको यूज करना है, या उसको सेलोफेन पेपर में कवर कर लीजिए, मतलब वो फटना नहीं चाहिए. फटेगा तो उसका यूज नहीं है. पिलो के नीचे रख सकते हो, पॉकेट के अंदर रख सकते हो, पर्स के अंदर रख सकते हो. अगर कोई बहुत अगर आपको लगता है कि इसको ये एनर्जी जाना चाहिए तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो, फोटो भी चिपका सकते हो, कैसे भी कर सकते हो. आपको जो इनोवेटिव आइडिया आ रहा है आप करो, और आप हमसे शेयर करो कि आपने आज क्या इनोवेशन किया इस एनर्जी के साथ, कैसा रहा. Because we all have our own different kind of innovative and creative method, है ना. So और ये सब normal English word है, तो इसके साथ आपको जैसे खेलना है वैसे. अच्छा, एक और चीज इसमें, एक और चीज होता है, पानी जब बहरा होता है उसमें भी you can write with your finger together divine, तो पूरे पानी में हो जाता है फिर. मतलब it's another way of innovative method, I'm telling you. पर्सनल स्विचवर्ड क्या होता है? PSW is the short form of this personal switchword. This is like मुझे instant शक्ति चाहिए. तो actually we Indians what we do? We chant हनुमान जी, है ना. So हनुमान जी is our instant personal switchword. किसी का नाम, basically personal switchword is किसी का नाम. Bruce Lee is again a very strength giving personal switchword.
कोई कोई बहुत अपने सिद्धांतों के साथ, या आपको लगता है कि आपको आज ऑनेस्टी चाहिए, आपको आज ट्रूथ चाहिए, तो उस चीज, उस पर्सन का आप चैंट कर सकते हो। जैसे महात्मा गांधी इज वेरी यू नो कैरेक्टर बिल्डिंग उनका बड़ा सही माना जाता है, या जीसस या कोई और जिनको आप मानते हो, नॉट लाइक कोई और मानता है और आप चैंट करो, नहीं वो नहीं काम करेगा। स्विचवर्ड हमेशा आपके अंदर से आता है, किसी से इन्फ्लुएंस होके नहीं करना है। जब कोई भी मेरे से सवाल पूछेगा, मेरा पहला सवाल ही यही होगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया तो वो मेरे अंदर से आ रहा है। वी ऑल आर देयर टू हेल्प ईच अदर, आप मेरे को हेल्प करने के लिए हो, मैं आपको हेल्प करने के लिए हूँ। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ कॉन्ट्रीब्यूटिव सेशन वेर इन वी ऑल विल होल्ड आवर हैंड्स एंड देन we need to raise together. So isme Abraham Lincoln bolte kya naam kya yaad aa raha hai, us din agar aapko uski energy use karni hai to aap wo chant kar sakte ho. Mona Lisa jo itne sare dukh mein bhi hamesha khush rehti hai, right? So like that, by chanting the name of people, personal switch word, you will only attract the positive energy. जैसे हमें लगता है ना, लाइक हम कभी कभार चाइल्डहुड डेज में चले जाते हैं, हमें बेस्ट टीचर जो लगती थी, हमेशा इंग्लिश टीचर तो बड़ी सही लगती है सबको, द यू नो द यूनिक वन, सो यू कैन चैंट हर नेम ऑल्सो इफ योर टीचर इज योर मेंटोर फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, राइट? यू आर जस्ट tapping into their energy to give answer. उस situation से आपको problem है तो उससे निकलने के लिए we are using personal switch word. थोड़ा बहुत abundance के बारे में आज बताऊंगी. Like I first said count. Count का मैंने आपको पूरा बता दिया था कि count क्या होता है, कैसे यूज करते हैं. फॉर मनी वी यूज काउंट, फॉर एडिक्शन ऑल्सो वी यूज काउंट. एड, एड क्या होता है? टू इंक्रीज आर मनी फ्लो. हमें कुछ हमारे पास है बट हमें और चाहिए, टू एड ऑन, है ना? एड का मतलब यही हुआ ना कि और. सो एड क्या होता है? टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ मनी, बिकॉज एड इज लाइक वो एक इनसफिशियंट है हमारे पास, हमें थोड़ा सा और, या यू कैन से उसको हमारे उसको रिफिल करने के लिए वी वॉन्ट मोर. सो एड कैपिटल में, कोई भी चीज आप रनिंग में स्मॉल लेटर्स में अभी नहीं लिखोगे. ये जो मैं स्विचवर्ड दे रही हूं, एनर्जी सर्कल वैसे ही बनाना है जैसे हमने ये बनाया था, जैसे हमने ये बनाया था, है ना? अब इसमें टुगेदर को आप निकाल के यू कैन राइट काउंट, या यू कैन राइट गोल्डन सनराइज, जितने भी अभी तक मैंने स्विच वर्ड किए हैं. यू कैन राइट चार्म. आप ये सब सिंगल सिंगल वर्ड, सिंगल सिंगल एनर्जी सर्कल बनाना और उस चीज के लिए यूज करना जितने भी मैंने अभी तक आपको बताया है. एड, एड काउंट टुगेदर, डिवाइन काउंट एड टुगेदर, एड काउंट. इसमें टुगेदर और डिवाइन को ना आप कहीं भी फिट कर सकते हो, कभी भी आपका स्विचवर्ड उसमें खराब नहीं होगा. इनफैक्ट इट विल हाईलाइट द पावर of the manifestation. So add or count, maine idhar add kiya hai, to increase money flow. Together add count. Together kyun? Main align kar raha hu apne higher self se taki mere ko money flow aur add ho. Right? Together is always self aligning. Together adjust count. कुछ लोगों का some people can't handle money. They don't know how to maintain the income and expense expenditure.
आ रहा है तो बस खर्च भी कर रहे हैं, देयर इज नो बैलेंस. तो उसको मेंटेन करने के लिए टुगेदर एडजस्ट काउंट टू हैंडल मनी इजिली, इनकम एंड एक्सपेंस बोथ. यू नीड टू एडजस्ट योर सेल्फ टू मेंटेन द फ्लो ऑफ मनी. टुगेदर एडजस्ट काउंट फुल स्टॉप. जब भी आप ये दो तीन लेटर लिखते हो, फुल स्टॉप इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहां पे आप बोलते हो ये चाहिए मुझे स्टॉक. अमीबा, अमीबा इज टू यूज योर फुल एनर्जी. हमारी कैपेसिटी क्या है हमें ही नहीं पता है. सामने वाला, इट्स लाइक यू नो, हनुमान जी को जैसे बाहर कोई और आके जब याद दिलाता तब उसको पता होता है, वैसे ही कभी कभार हम लोगों को या तो सोचता नहीं है या हमें पता ही नहीं होता. अच्छा, हम ये अचीव कर सकते हैं, अच्छा हम इतना एफर्ट डाल सकते हैं, बिकॉज हमारी एनर्जी इज वास्ट, बिकॉज हम सारे ही भगवान के बच्चे हैं, कोई अलग तो है नहीं, भगवान के लिए ऑल आर सेम. तो हम लोगों में इतना वेरिएशन क्यों? बिकॉज वी डोंट रिस्पेक्ट या अंडरस्टैंड आवर सेल्फ. वी ऑल आर भगवान का बच्चा, राइट? सो अमीबा गिव्स दैट एबिलिटी टू यूज आवर ओन एनर्जी टू अचीव टारगेट. आज बहुत सारा काम है मेरे पास, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगा. नहीं पता वाला सिचुएशन, अमीबा विल हेल्प यू, बिकॉज वो आपके अंदर ही वो एनर्जी भर देगा कि you will end up finishing that work. So amoeba is to fulfill the work to be done, to achieve result. B is be at peace. Rest in peace wala peace nahi, it is like be at peace. When we get shattered with something, we should maintain our peace, because see, हमेशा एक बंदा जो है खुश नहीं रह सकता है. हमेशा वी कांट बी इन दैट पॉजिटिव मोड. वी ऑल आर ह्यूमंस, वी नीड टू प्रैक्टिकली रियलिटी भी फेस करनी होती है ना? तो बी एट पीस कम्स व्हेन, जब आपको लगता है कि अब मेरे को जो है ना बहुत परेशानी से मैं झेल लिया, मुझे पीस चाहिए. बी टूगेदर, बी डिवाइन. बी को आप बीच में डाल दीजिए, क्योंकि टुगेदर तो आपने कर दी अपने आप को अलाइन. बी मतलब आपको पीस चाहिए, आपने बोला. किसको बोला? भगवान को बोला. टुगेदर बी डिवाइन. ब्रिंग मैनिफेस्ट द मनी रिक्वायर्ड इमीडिएटली. इमीडिएटली ये वाला जो फ्रेज है, ब्रिंग काउंट डिवाइन, ब्रिंग लेके आओ. वॉट काउंट? काउंट इज मनी. डिवाइन, हम डिवाइन को बोल रहे हैं कि मुझे, मेरे को पैसा लेके आओ. सो दिस इज ब्रिंग काउंट डिवाइन. ब्रिंग विल मैनिफेस्ट वॉट एवर वी वॉन्ट. काउंट ये जो फ्रेज है, ब्रिंग काउंट डिवाइन, ये दिस कैन बी मल्टीपली यूज्ड, नॉट ओनली फॉर मनी बट कुछ भी चाहिए होता है. फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत कंफ्यूज है भाई, समझ में नहीं आ रहा है क्या शॉपिंग करना है. ब्रिंग काउंट डिवाइन, लेट मी अलाइन कि भाई मुझे चाहिए क्या, मुझे जो चाहिए. सो एट दैट टाइम ऑल्सो यू कैन चैंट एंड ब्रिंग मैनिफेस्ट. ब्रिंग जो है आपको उस वो लेके आ जाता है जो आपको, आपके लिए जो सही होगा. ये नहीं कि आप जो सोच रहे हो वो सही होगा, आपके लिए जो सही होगा वो ब्रिंग काउंट डिवाइन हेल्प करता है. एंड एनर्जी सर्कल आप ऐसे बना सकते हो. जब मैं तीन फ्रेज बोल रही हूं तो टुगेदर डैश डिवाइन के जैसा ही ये ब्रिंग हाइफन
काउंट हाइफन डिवाइन फुल स्टॉप. इसमें ऐसे आपने हाइफन डालना है जितने भी वर्ड का होगा. ओके बटरफ्लाई. हम इसमें कुछ एनिमल स्पिरिट्स का भी कैसे यूज करना है वो भी मैं बताऊंगी ड्यूरिंग दिस जर्नी, बिकॉज हर एक एनिमल का अपना अपना यूज है इसमें. हाँ सो बटरफ्लाई क्या करता है, टू गेट अ वाइडर पर्सपेक्टिव ऑफ मनी प्रॉब्लम या वॉट एवर प्रॉब्लम. मैंने मनी इसलिए लिखा है क्योंकि मनी इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन ऑल ऑफ अस, राइट. सो बटरफ्लाई इज कोई भी प्रॉब्लम में आपको और जूम आउट करके देखना है कि भाई ये है क्या, क्यों ऐसा हो रहा है. कभी कभार उस हिसाब से भी देखना बहुत जरूरी है. तो बटरफ्लाई विंग ऐसे करता है ना, तो इट जस्ट जूम्स आउट. सो फॉर अ वाइडर पर्सपेक्टिव वी चैंट बटरफ्लाई. चेंज डिवाइन काउंट चेंज डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ टर्न. नाउ हम ऑर्डर करते हैं अभी. टर्न मीन्स टू टर्न द सिचुएशन. लाइक मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है सिचुएशन से, मैं बार बार प्रमोशन के लिए मेरे बॉस के पास जाता हूँ, वो मेरे को चिड़चिड़ा के मना कर देता है. मैं बार बार मेरे साथ यही होता है कि कोई ना कोई आके मेरे जो इंक्रीमेंट है उस पर टांग अड़ा देता है. सो जब कोई चीज बार बार रिपीटेटिव हो रहा है आपके साथ, तो यू नीड टू चेंज दैट सिचुएशन, यू नीड टू ट्विस्ट द एनर्जी. So make improvement in the situation is change is very important. Divine, order, count, now, turn. जब मैं बोल रही हूँ कि यूनिवर्स में तो बहुत पैसा है, हमारे अंदर ही प्रॉब्लम है, तो हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, रिसीविंग एबिलिटी. जब कोई बोलता है आप बहुत सुंदर लग रहे हो, हम बोलते हाँ 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 मेरा लिपस्टिक अच्छा है इसलिए मैं सुंदर लग रही हूँ, बट वी डोंट एक्नॉलेज दैट अप्रिसिएशन जो वो बंदा बोल रहा है. या हम बोलते हैं ऐसे ही फ्लर्ट कर रहा होगा और कोई काम नहीं है इसको. सो इट इज लाइक यू नो यू आर जस्ट शटिंग इट डाउन कि इस बंदे से मेरे को दूर करो, राइट. सो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन जस्ट shift yeah acknowledge that yes I'm beautiful I'm pretty what is harm in that. So us hisab se thoda sochna is receiving ability. Paise bahut hai, main aapki beti ki shaadi mein itne paise de raha hu. Are nahi nahi aap kyu itna paise de rahe ho, mere paas hai, mujhe nahi chahiye. Kyun? You are shutting your ability, you are not a good person to receive. The universe ना ऐसे भगवान आपके सामने आके थोड़ी देगा कि भाई अच्छा तू ये 50 लाख ले ले, ऐसा नहीं देते ना. कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से ही वो देते हैं. अब जब वो दे रहे हैं तो आप मना करके वापस भगवान के पास जाके रोना है कि भाई मेरे को नहीं मिला आज. तो टू इंक्रीज दैट रिसीविंग एबिलिटी उसके लिए टूगेदर चार्म काउंट डिवाइन. बिकॉज जब तक वो चार्म नहीं आता अंदर से आर रिसीविंग एबिलिटी. अच्छा हीलिंग आ रहा है आज, अच्छा ठीक है मैं फ्री में हीलिंग कर दूंगी. बट फ्री में हम कितने लोगों को हीलिंग करेंगे, हमारी हीलिंग कौन करेगा फिर? हम क्या कोई भगवान है जो इतना सारा एनर्जी लेके मतलब बैठे हैं कि भाई सबकी हीलिंग हम कर देंगे? नहीं. वेन वी बेसिकली it is the ability to receive anything, even criticism. आज का क्या सेशन था? कुछ नहीं है, बिल्कुल कचड़ा कर दिया इस मैम ने, कुछ अच्छा ही नहीं सिखाया. Criticism is also welcome. That is also a receiving ability. हम उसको क्यों शट कर देते हैं? So in that thing, receiving would mean
वी आर ओपन टू रिसीव एवरीथिंग. हमारे ओरा में किसी तरीके का एक द्वार नहीं डाला है, हमने कोई बैरियर नहीं बनाया है. सबको हम आने दे रहे हैं, पास करके बाहर जाने दे रहे हैं. बाहर जाना है, हम अपने अंदर नहीं ले रहे. डिटैच, चाहे कोई कुछ भी बोले, जस्ट द एनर्जी शुड कम एंड फ्लो थ्रू यू लाइक चार्म. टुगेदर चार्म काउंट डिवाइन हेल्प्स लाइक दिस. ठीक है. टुगेदर चेंज डिवाइन ऑर्डर चॉकलेट. ओ चॉकलेट मैंने नहीं बताया. ओके चॉकलेट 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 क्या क्या आ रहा है माइंड में. चॉकलेट चॉकलेट सिल्क फ्रूट एंड नट. और मेरी बेटी को क्या पसंद है, आई डोंट नो दैट. बबल्स विच आई डोंट लाइक. और क्या पसंद है उसको, किटकैट एंड स्निकर्स और पता नहीं क्या क्या. चॉकलेट. सो चॉकलेट मीन्स इट सूदस अस, चाहे हम खाएं या ना खाएं. द फ्लेवर द वर्ड इटसेल्फ ब्रिंग्स. मैं बहुत लोगों के फेस में अभी स्माइल देख रही हूँ जब मैंने चॉकलेट बोला था. सो दैट इंस्टेंट स्माइल कम्स फ्रॉम चॉकलेट. सो चॉकलेट इज अ वर्ड विच शिफ्ट इमीडिएटली फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. Why are we focusing more on positive? Why not negative? कभी सोचा आप लोगों ने? हर कोई आके यही ज्ञान देता है, भाई negative नहीं होना है, negative नहीं होना है. क्यों? क्यों? क्योंकि जैसे मैंने एक चीज negative बोली, एक मेरे अंदर ये barrier लग गया, दूसरा बोला दूसरा barrier. हम अपना ही barrier लगा रहे हैं, खोद रहे हैं, अपना ही खड्डा खोद रहे हैं, कोई और नहीं आके खोद रहे. तो दिस इज द नेगेटिविटी विच वी आर रिलीजिंग बाय चैंटिंग दीज वर्ड्स. चॉकलेट टुगेदर चेंज डिवाइन ऑर्डर चॉकलेट टू चेंज नेगेटिव इनटू पॉजिटिव. दिस विल बी आवर लास्ट स्विचवर्ड सीरीज. उसके बाद आई विल टेक क्वेश्चंस. ओके to change charge together circulate. Circulate क्या होता है? Rotation. और क्या बोल सकते हैं circulate का मतलब? It's a flow, है ना? Circulate. So to become free from a bad situation. जैसे मैंने बोला, sarcasm is also welcome, right? So, क्योंकि देखो अब ऐश्वर्या राय है या मतलब बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों को क्या फर्क पड़ता है कोई ट्वीट में कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई कुछ करे. सारा फर्क तो हम लोगों को ही पड़ता है ना. वो इतने हाई जगह पे बैठे हैं कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है. सो दे आर वेलकमिंग ऑल काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म ऑल्सो. टू बिकम फ्री फ्रॉम अ बैड सिचुएशन वी चैंट charge together circulate. Then together be divine climb. Climb is the word which boosts our energy to go into the higher level. Climb ऊपर चढ़ रहे हैं. Climb नीचे नहीं आते ना, ऊपर चढ़ते हैं. तो climb means हमें ऊपर उठाओ. Together be divine climb. To have a better view of a situation. जब आप climb करके ऊपर जाओगे, कोई भी situation को पहले analyze करना है कि क्योंकि हमारे पास जैसे किसी का job अगर transfer के लिए होता है, बॉम्बे मिल गया, कैलकटा मिल गया, दिल्ली मिल गया. अब ये तीन ऑप्शन है तो कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही है? अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो क्यों नहीं आ रहा ऑप्शन? हर तरीके के सिचुएशन हो सकते हैं ना. या तो बिल्कुल भी नहीं है या बहुत ऑप्शन है. दोनों में हमें प्रॉब्लम होता है, वी आर स्टक. सो टुगेदर बी
डिवाइन क्लाइंब टू हैव दैट एरियल व्यू. आजकल आप कोई भी रिजॉर्ट जाना चाहते हो तो पहले एरियल व्यू क्लिक करके देखते हो ना, अच्छा ये ऊपर से कैसा लग रहा है, तब मैं अपनी फैमिली के लिए बुक करूंगा. तो इट गिव्स दैट एरियल व्यू. आई थिंक आज के लिए दिस इज इनफ. एंड पूनम जी, इज पूनम जी देयर? पूनम जी, आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट उससे पहले वीडियो में आना पड़ेगा आप लोगों को. वेट, लेट मी कॉल. अंजना रेस्ट, एक मिनट, आपने अभी अनम्यूट करना अपने आपको. वेट 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 वेट. Just wait. I will just call Poonam. हेलो. हेलो, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग अंजना जी, बताइए. हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच. अभी काफी एंजॉय किया इस सेशन का. थैंक यू सो मच इतनी प्रीशियस नॉलेज देने के लिए. वेलकम मैम. मैंने पूछना है कि अब जैसे हमने किसी, जैसे मेरे हस्बैंड ने किसी के साथ बिजनेस शुरू किया, अब उसने क्या किया कि उसने इनको धोखा दिया और इनको बाहर कर दिया और हमारा पैसा भी ले लिया, तो अब हमें उससे अपना पैसा वापस लेना है. तो जब हम उसे कहते हैं तो वो कहता है कि अभी मेरे पास भी पैसे नहीं है. अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हम मतलब ओवरव्यू करें या एरियल व्यू करें सिचुएशन का, या हम उससे पैसे लेने के लिए हम क्या करना चाहिए? प्लीज गाइड करो मैम इस सिचुएशन में. नहीं, ऐसे देखिए, पर्सनल क्वेश्चंस जो होते हैं ना, क्योंकि हर किसी के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, है ना जी. सबका सिचुएशन अलग है. अब पूरा जो स्विचवर्ड का है ये तक आप पूरी तरीके से, क्योंकि आज आप एक मेरे से एक सोल्यूशन पूछ रहे हो, पर इससे तो आप किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना, कल को कुछ होगी. तो इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना. तो उसके लिए मैं चाहती हूँ, इट्स माय ओन थिंग, कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इतना सही बना दूं कि वो खुद सोच के खुद वो प्रॉब्लम का स्विचवर्ड बनाए. सब एक डॉक्टर बनोगे, नॉट लाइक पेशेंट जो हर बारी प्रिस्क्रिप्शन पैसा दे दे के हर एक क्लास में जाके करते हो दैट. या बस एक सिचुएशन आज एक बोल दो मैम, बस हो जाए, काफी है. इट्स अप टू यू.
और एक क्वेश्चन हो रहा है मैम, अब जैसे आपने अभी सनराइज स्विचवर्ड बताया हमें, तो हम इसको एक पेपर पे लिखें, सर्कल में ही लिखें, हाँ, और अपने पिलो के अंदर रख लें या मैट्रेस के नीचे रख दें। हाँ, तो जो भी वॉल में भी लग सकते हो, ओके, वॉल है, कहीं पर भी कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। कभी आपको, आप अपना इंट्यूशन, आपको जो गाइडेंस मिलता है ना, कभी आपको लगता है अच्छा पिलो के अंदर रख दो आज हो जाएगा, तो वहां संगीता म्यूट हो गए हो। जस्ट फॉलो द एनर्जी आई वॉज टेलिंग, क्योंकि हमारा जो, हम सबके अंदर जो एक गॉड है वो हमें इंट्यूशन देता रहता है, हम उसको शट करके दूसरों के पास चले जाते हैं, हम सोचते हैं दूसरा भगवान है, हम उनके पास जाके हम बोलते हैं क्या करूं, नहीं, आपके अंदर, हम सबके अंदर है, सो फॉलो योर ओन इंट्यूशन। आपको एक दिन लगता है अच्छा गोल्डन सनराइज, मैं सनराइज बना के सामने रख दूं, तो यू नो व्हेन यू सी दैट येलो थिंग, जो हम करेंगे इस दौरान, गोल्डन सनराइज विल बी द फर्स्ट सिचुएट जो मैं बताऊंगी कैसे बनाना है, क्योंकि सबको वो चाहिए है ना, दैट सनराइज, तो उसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि देख के हमें ज्यादा अच्छा लगता है ना, तो गोल्डन सनराइज यू कैन चैंट, बट आई वुड से पहले जब आप बोल रहे हो वो फोन नहीं उठा रहा है, वो आंसर नहीं कर रहा है, ऑल दिस आपने अपने आपको सुना जब आप बोल रहे थे नहीं हो रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, सो फॉर ऑल दीज नहीं, फर्स्ट चैंट रिलीज, क्योंकि वी ऑल आर अट्रैक्टिंग दैट नहीं, बिकॉज हम वही चैंट कर रहे हैं नहीं नहीं, स्विचवर्ड वही तो है जो हम चैंट कर रहे हैं, चाहे वो नहीं हो चाहे वो हाँ हो। नेक्स्ट मैडम, हाँ जी नमस्ते, मुझे एक चीज मैम, मेरा क्लास एक मिनट, हम मेरे को बता दीजिए कि पीस ऑफ माइंड के लिए क्या बोलना चाहिए, रिलीज रिलीज बोलना चाहिए कि पीस ऑफ माइंड के लिए, हाँ फर्स्ट तो दो दिन आप रिलीज चैंट करो, उसके बाद टुगेदर डिवाइन, ये दोनों आप लगातार चैंट करते रह सकते हो, बट जब चैंट कर रहे हो तो उस वर्ड के साथ जुड़ के चैंट करना, नॉट लाइक ऐसे मैं जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर ऐसे ऐसे देखते 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 ये सब, नहीं ऐसा नहीं होता है, रिलीज रिलीज रिलीज, कम से कम एक मिनट तो उस रिलीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगा लो। हीरा जी सॉरी, आप बताइएगा। हाँ मैडम, मैं पूछ रहा था ये जो सर्कल आपने बनाने को कहा, वेदर इट शुड बी अ सर्कुलर सर्कल और इलिप्टिकल सर्कल, इट शुड बी अ सर्कुलर थिंग, इलेक्ट्रिकल सॉरी उसमें आ गया था, हाँ गुड क्वेश्चन, प्लीज सर्कल कर लेना उसको, सर्कल, थैंक यू मैम, नॉर्मल सर, थैंक यू, वेलकम। हाँ जी अमुदा जी बताइए। थैंक यू मैम, इट वॉज अ डिवाइन सेशन, वेलकम। या मैम, आई जस्ट वॉन्ट टू नो, आई मीन वी हैव टू सिट इन एनी पर्टिकुलर पोस्चर व्हाइल चैंटिंग? No, not necessary. No, we can walk and we can. खाना बनाते बनाते एक स्विचबोर्ड दे रही हूँ, चार्म लाइट, कर्ची घुमाते घुमाते आप कर लेना उसको, बिना नहाए भी कर सकते हो, इंग्लिश वर्ड है ये, कोई सिद्ध मंत्रा नहीं है कि सुबह 5 बजे उठ के करना है, वो आपकी मर्जी है भाई, अगर 5 बजे उठ के करना है आपको बड़ा मजा आता है तो प्लीज गो ऑन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। And also in at a particular time, like we can select 2, 3, or 5 rituals like this in a day at different periods of the day. To start with, क्योंकि अगर आप लोग ये join कर रहे हो तो it will be a wonderful session, बहुत कुछ सीखोगे, तो I would recommend to start with पहले छोटा छोटा कीजिए, not like 3-4 अभी मत करना, मैं बताती हूँ कब करना होगी। थैंक यू मैम, वेलकम। हाँ जी शिखा जी बताइए। मैम हेलो मैम, अच्छा क्वेश्चन था आपका बहुत, मैं ज्वाइन कर रही हूँ आपका कोर्स, मैम मुझे पूछना था आप कुछ नंबर्स भी देंगे ना, जैसे कंसंट्रेशन के लिए
लर्निंग के लिए किड्स की. हाँ नंबर कोड भी होगा, डिवाइन हीलिंग नंबर कोड भी देंगे हम. हर बीमारी के लिए भी मैं नंबर कोड दूंगी, वो सब इंक्लूडेड है इस सेशन में. ठीक है, थैंक यू मैम, वेलकम. हाँ जी सुषम ओय जी, सॉरी इतना देर वेट कराया आपको, बताइए. ओके नो प्रॉब्लम मैडम, वेरी गुड क्लास, वेरी गुड कोर्स आल्सो, वेरी गुड क्लास एंड वेरी गुड टीचर. थैंक यू, दैट इज कॉम्बो इफेक्ट. ओके मैडम, आई वांट टू आस्क दैट आपने जो पहले बोला, आई हैव गॉट टू जस्ट टू क्वेश्चंस. आपने जो पहले बोला कि एक्सेलेंस पर इन परफॉर्मेंस, एक्सेलेंस परफॉर्मेंस के लिए एक वर्ड बोलना है बोला, तो मान लीजिए न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ, मान लीजिए मैं अभी स्विच वर्ड्स भी कर रहा हूँ और मैं सिंगिंग भी करता हूँ, तो कैन आई आस्क फॉर एक्सेलेंस इन ऑल द थ्री फील्ड्स? नो नो, नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा. एग्जैक्टली आप ही आंसर करो. एग्जैक्टली यू ट्राई इट आउट, क्या पता आपको वो काम. नहीं 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 मैडम, आप एडवाइस करेंगी तो ठीक है. मान लीजिए मेरे इवनिंग में कोई परफॉर्मेंस है सिंगिंग का, exactly. तो मैं सुबह चैंट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल, देखिए आप सारा काम इकट्ठे तो नहीं करोगे ना, या तो आप सिंग करो उस टाइम में आप चैंट. यस 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 है ना, तो जिस टाइम पे जो काम कर रहे हो वो एक्सेलेंट में होना चाहिए, तो आप वो उस वो वाला स्विच बोर्ड उठाओ और उसके लिए वो उस दिन करने से इफेक्ट हो जाता है क्या एक दिन में? आप करके बताओ ना मुझे. अच्छा ओके 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 मैडम, और एक क्वेश्चन मेरा, मान लीजिए स्विच वर्ड हिंदी में क्यों नहीं होता, ये यदि इफेक्टिव होना है वो मे बी ए फॉरेन कंसेप्ट, बट वी कैन ऑल्सो अडॉप्ट इन हिंदी. हिंदी में होता है पर मुझे वो पता नहीं है, मैंने वो नहीं सीखा, वो उसका नाम. अच्छा अच्छा, वो आई डोंट नो, वो अभी का आया हुआ है, ये सब जो है एक्चुअल है मुझे मालूम नहीं है. अच्छा 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 अच्छा, अभी न्यू इनोवेशन भी तो होता रहता है ना अकल साइंस में भी. हाँ यस 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 यस, थैंक यू मैडम, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू मैडम, थैंक यू. संगीता जी आगे मूव ऑन करने से पहले हम एक बार ये जो है अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम फर्दर और इसको आपको भी डिस्कस करते हैं. हाँ जी, एवरीबॉडी प्लीज नोट आवर क्लास इज ऑन मंडे एंड वेडनेसडे 5:45 to 7:30 PM 5:45 to 7:30 PM बट फॉर पब्लिक डिमांड वी विल टेक एक्स्ट्रा क्लास ऑन फ्राइडे, ओनली दिस फ्राइडे, एंड दिस इज अ वन मंथ कोर्स. ये हमारा जूम सेशन पे रहेगा, एवरी क्लास इज ऑन जूम. आपके डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे, वन आवर या वन एंड हाफ आवर मैम संगीता मैम पहले कराएंगी, उसके बाद हाफ एन आवर हम क्वेश्चनेयर्स लेंगे आपको. हम प्रैक्टिकल केस स्टडीज हमारी रहेंगी और कुछ स्टडी नोट्स देंगे. वैसे तो आप अपने नोट्स आसपास बनाएंगे, पर संगीता मैम कुछ आपको बुलेट पॉइंट्स देंगी जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा. इसके रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है तो आप प्लीज कॉल कर सकते हैं. कॉलिंग नंबर इज वन मिनट. ओके कॉलिंग नंबर मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, 7982552301 7982552301 इज माई पर्सनल नंबर. माई नेम इज पूनम गोयल, कैन यू कॉल मी एनी टाइम. एनर्जी एक्सचेंज पूछ रहे हैं मैम सब. हाँ जी, एनर्जी एक्सचेंज इज 923, इट्स अ वन मंथ कोर्स एंड अवर एनर्जी एक्सचेंज इज 923 पर मंथ. 923 मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है, 923. और आपको मैम आई हैव वन क्वेश्चन टू आस्क. मैम दिस इज सुविया भटनागर, आई हैव वन क्वेश्चन टू आस्क. माय फिर मैं आपका क्वेश्चन लेती हूं, एक मिनट सुविया जी. पूरा हो गया आपका? हाँ जी ये हाँ जी मैम हो गया है. जिन जिन को नंबर प्लीज नोट करना, ये अकाउंट डिटेल है और इस पे आप पेटीएम गूगल पे या कुछ भी अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं. और कॉलिंग नंबर मैंने आपको शेयर कर दिया है, 7982552301 मैंने चैट में लिख दिया है, आपको भी नोट करना है वहां से नोट कर सकते हैं. हाँ जी संगीता जी प्लीज कैरी ऑन. एंड इट्स अ रिकॉर्डेड सेशन, रिकॉर्डिंग मिलेगी. यस
हाँ जी सुविया जी बताइए मैम मुझे आपसे just take one question. First of all, thank you for the wonderful session, a real good learning, and highly appreciate your style of teaching. मुझे ना actually parents have recently got affected by the COVID, और अभी उनका आज fourth day start हुआ मतलब खत्म हो रहा है. तो आप मुझे कुछ ऐसा chant word बता दीजिए which they will help recovery और उनकी situation जल्दी change हो जाए. मैंने ना ये चीज during the this will stop, okay webinar किया था. पूनम जी मैं ये अपना वोट डाल सकती हूँ कोरोना वाला इसमें ये स्टॉप कर सकती हूँ या आप ग्रुप में है ना मैं ग्रुप में सेंड कर देती हूँ सबके लिए कोरोना स्विच. ओके फाइन फाइन ठीक है मैम थैंक यू सो मच थैंक यू. नमस्कार सब लोगों को आचार्य राजीव गोयल. हाँ जी I could not switch on my video because of some reason video because of some reason. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दी स्विचवर्ड क्लासेस. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दी प्लेटफॉर्म ऑकल्ट साइंस एकेडमिया. एक प्लेटफॉर्म एक संस्था जो आपके लिए हमेशा इस तरीके से कोर्स का आयोजन करती रहती है कि आप सीखें नई नई चीजें सीखें नई एक्टिविटी सीखें और जो आप अपने जीवन में इसका इस्तेमाल कर सकें. उसी के माध्यम से आज की क्लास स्विचवर्ड की क्लास थी जो आपने एक्सपीरियंस करी है सबने. और ये जो कोर्स है ये मंडे एंड वेनसडे चलेगा आने वाले टाइम में. सिर्फ फ्राइडे को एक एडिशनल क्लास करेंगे बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डिमांड बाय द आवर एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स. सो वी विल डू ऑन फ्राइडे एक्स्ट्रा क्लास एंड द 923 रुपीस एनर्जी एक्सचेंज फीस ओनली व्हिच इज बीन ऑलरेडी शेयर्ड. दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप दे मे ज्वाइन द चैट लिंक. चैट में एक लिंक है उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी वो आपको शेयर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली. सारी इंफॉर्मेशन वहाँ आ जाएंगी और उसी चैट के लिंक में मतलब उसी ग्रुप के अंदर आपको कोरोना का स्विचवर्ड है वो भी शेयर कर देंगी संगीता मैडम. तो आपको सबको कोरोना का स्विचवर्ड जितने हमारे ग्रुप्स हैं उन सारे ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देंगे. तो जो ऑलरेडी हमारे ग्रुप्स के अंदर है किसी ना किसी उनको ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है. दोज हु आर ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम प्लीज ज्वाइन दी चैट लिंक. उसके अंदर हम आपको कोरोना का स्विचवर्ड शेयर कर देंगे सो दैट यू कैन बी सेफ योर फैमिली बी सेफ एवरीबडी बी सेफ. So enjoy the journey. It's going to be a very good, awesome journey. Switchword works very beautifully. अभी किसी ने हिंदी पूछा था कि मैंने एक ही क्वेश्चन सुना था कि हिंदी में नहीं होते क्या? Switchword is a word which is a positive energy which can be in any language. It is all about synchronization of the words in a right way. Somebody did work to synchronize the English words, so it become in English. If somebody do work to synchronize in the Hindi, it become in Hindi. It's a yes, collection yes. of thank you. Words. Correct. Yeah, thank you for the clarification, sir. Thank you. Sir, when is the course starting? It is already started, madam. Today is the open webinar. Friday is a closed webinar session. Those who get enrolled by Friday, they will be getting in the link for the class. Today's class on the demand, we did open class. Friday is a closed class and there on 1 month journey is a closed classes. So all the video recording will be provided to you and it will be with you till the YouTube is available, right? And all the summary of the notes, Sangeeta Madam will provide you time to time. You can make note down your own notes also. And any other facilitation, any other help you needed, you can always connect with the HRA Poonam Goyal for the assistance. And that's it. Any other questions, please ask. Now I think we are done, sir. So shall we close the session? Sangeeta ji, Meena Sarkar ji ka high-end raise hai. Please unka question le lijiye. Meena Sarkar and coach Suriya Bhatnagar ji. Okay. Bataiye ji. Unka mic. Thank you. Bataiye. Hi, Namaskar ji, ma'am. बहुत अच्छा लगा आपका session और मतलब सुन अच्छा लगा मतलब सुनके कि switchers का session जो है. बाकी मैं ये जानना चाह रही थी कि मैंने सुना है कि वैदिक स्विचवर्ड्स भी होते हैं तो वो नहीं कराओगे इसका मतलब आप? इसमें वैदिक नहीं है वो एक अलग होगा. अभी मैंने वैदिक नहीं क्योंकि इसमें क्या बैचलर भी होता है फिर तो पर हाँ जी हम अलग से लेंगे. हाँ जी हाँ जी हम नंबर कोड यूज कर रहे हैं हम इंग्लिश हाँ, वर्ड्स यूज कर रहे हैं. पहले इसको सीख लीजिए फिर हम हाँ, और आगे बढ़ेंगे.
ठीक ठीक मैम, मुझे यही पूछना था कि वैदिक के बारे में है या नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू। वो भी हम देखेंगे। ठीक है मैम। स्विचवर्ड में सब कुछ जैसे अभी सर ने बोला स्विचवर्ड। तो वो ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। कंचन जी अपना क्वेश्चन पूछे। कंचन गेहानी जी। या हाय हाय, हाउ आर यू? दिस इज कंचन। I just want to say thank you for such a wonderful session. I mean, really, you know, good light, a lot of insight into, you know, how we can do and how we can, you know, increase our health or improve our health or relationship. Yeah. I just want to know, so the session is starting from Friday. Yeah. Right? Yeah. So that will be a paid session. So we have to pay anything, we have to pay before like Thursday, by tomorrow or day after. Yeah. Yes. Right. So it is from 15th of Jan till 15th of Feb. This is what it is for 1 month. Yes. And what will be the timings? Any idea? Same time. Yes, it is same time. 5:45 to 7:30. Same time. Okay. And it's approximately about 8 to 10 classes for one month. And the first class is going to. I mean, the today's class is already there, but then again, the closed class will start from Friday. Friday. Okay. So it is Monday, Friday, and Wednesday. No. Friday is an extra class because of existing participants have a demand. We are taking Friday. Monday and Wednesday. So it's like twice a week, and it's for 1 month. So 8 classes in all. Okay. Yes. Thank you, ma'am. No, madam. It will be approximately more than 8, because if you see that today is a one extra class happen, then again Friday. So it could be 9 approximately class. Okay, fine. Fine. And we have to pay on your account, ma'am, that energy exchange. The details has been shared to you just now by Poonam, madam. Poonam, can you get the details of the account details once again, please? Okay. Otherwise, I'm in the group. I just joined the group, so I can. Yes. You will get the details there also. Okay. So if you can give me the details on the group, then I can join. No problem. Thank you, ma'am. Thank you very much. Very easy way to understand, ma'am. Thank you. पूनम जी क्लोज करें, आप अनम्यूट कीजिए, आपने म्यूट किया हुआ है। ओके, सुबह जी का हैंडल था, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग फॉर सुबह जी कुछ पूछना आपको? मुझे बस एक ही और चीज पूछनी थी। थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस अगेन। अगर मैं एज अ हेल्थ कोच अपने आप को बिजनेस ग्रो करना चाहती हूँ, साथ में मैं इंग्लिश भी बच्चों को ऑन अ सोशल कॉज हेल्प करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है इंडिया इस चीज के वजह से बहुत ज्यादा पीछे है, एंड आई शुड हेल्प द सोसाइटी जितना, अगर इफ आई एम कॉम्पिटेंट इनफ आई कैन हेल्प देम आउट आई शुड। तो मैं दोनों चीजों के लिए साथ में कर सकती हूँ विश? हाँ हाँ, बिकॉज आप दो ही ले रहे हो, it will not be a problem, and I think I can feel that enthu within you, so I am telling you haan, aap kar sakte ho. Okay, thank you so much. Thank you. Welcome. Aur mera mera question tha ki kaun ma'am, kaun bol rahe? Please open your video and raise your hand first. Yahan pe current gaya hua hai, so mera video nahi aayega. Nikita ji boliye aap. हम मतलब दो विशेष या तीन विशेष एक बार बोल सकते हैं, मतलब स्विच एक स्विच वर्ड पर तीन विशेष ऐसे रख सकते हैं? नहीं, मैंने सेशन में वही बोला था कि यू नो टू स्टार्ट विद, कोई भी चीज जब आप पहली बार यूज करते हो तो आपको फेथ बहुत जरूरी होता है, और स्विच वर्ड बिना फेथ के नहीं काम करता है, बिल्कुल नहीं काम करेगा अगर आपके अंदर फेथ ना हो। तो वो डेवलप करने के लिए प्लीज आप छोटा छोटा विश पहले कीजिए, एक विश एक दिन में, थोड़ा थोड़ा करके आपका कैपेसिटी इमीडिएटली बढ़ जाएगा, जैसे जैसे आप सेशन में देखोगे इमीडिएटली बढ़ जाएगा वो चीज, तो फिर आपको ही लगेगा अच्छा मेरा तो आज हो गया, तो कीप ऑन एडिंग। नहीं कर सकते, कुछ लोग बोलते हैं कि स्विच वर्ड्स एटलीस्ट 3 महीने तक आप करो, ये मैंने सबका आंसर दे दिया था मैडम ड्यूरिंग द सेशन ओनली आई थिंक, है ना? नहीं, वो एक्चुअली मेरा नेटवर्क का ग्लिच आ गया था, तो मेरे को बार बार रीजॉइन होने के लिए जा रहा था। सो ओके, आप आ जाइए सेशन में, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओके, थैंक यू सो मच, एंड योर सेशंस वर अमेजिंग। थैंक यू जी। गैलेक्सी वन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन फास्ट प्लीज।
Hello. Okay, thank you so much for the opportunity, ma'am. It was a lovely session. Thank you for space. The general question is that you can take it otherwise. I have to ask you, what precautions are we when we use the words, like we use a mantra? So, we say that it should be correct. You can't use it wrong. Similarly, when we use words, do we have any precautions or something we should keep in mind? या कोई इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जब हम ये स्विच वर्ड्स को यूज करते हैं या मिसयूज हो जाएं या इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइमिंग विष्टि जी इज नॉडिंग हर हेड आंसर कीजिए आप सी माय स्टूडेंट एक दिन में मस्त स्टूडेंट बन गई शी इज नॉडिंग हर हेड ऐसा कुछ नहीं है No side effects. Because ये हम देखिए this is a language जो हम बचपन से सीख रहे हैं आपने कभी अपने लैंग्वेज को बोला है कि आप गलत बोल रहे हो अगर आपने सोचा है तो वो गलत है उसका कोई साइड इफेक्ट है तो है आपको गुस्सा आ रहा है आप किसी को बोल रहे हो तेरी ऐसे कुछ तो फिर वो गलत है तो है तो वो हमारे अंदर है कि क्या गलत है क्या उसका साइड इफेक्ट है वो सब हमारे अंदर है बट यस During the switch word, I have already mentioned, you should chant together first, release first, ताकि आपके अंदर जो एक clarity है, वो आ जाए और manifestation power increase हो जाए, बस. So ourselves, हमारी confidence के लिए. Thank you. Energy है. आप इन्वोक कर रहे हैं किसी एनर्जी को तो कहीं इसमें कोई जैसे कोई गलत ना हो जाए हमसे वो एक दिमाग में वो रहता है आप क्या कोई वो थोड़ी कर रहे हो काली माँ की तरह यहाँ पे हम लोग ऐसे 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 ऐसा कुछ हो गलत तो हो ही नहीं सकता कोई इसका स्पेसिफिक टाइम हो या कोई ऐसी चीज है कि जो हमें ध्यान रखना है एनी टाइम यू कैन डू सोते जागते या लिख सकते हैं या मन में बोल सकते हैं एनीथिंग हाँ जी कैसे भी कर सकते हो गलत कोई चीज नहीं होता है जब तक हम ना चाहें कि वो गलत करना है और हम ये चाहेंगे नहीं हम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं कि हमसे कोई गलती ना हो ये पूछ रहे थे कोई गलती नहीं होगी आपसे आप कैसी बातें कर रहे हो कोई भी टाइम पे कर सकते हैं मैम लेट के जाग के बैठ के राइट करो कैसे भी करो ओके मैम थैंक यू सो मच पूनम जी चलिए थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीवन Thank you everyone. Thank you आप सब लोगों का. Thank you. आप सब लोगों का आपके समय के लिए आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए आप सबने इतना समय दिया और सबने ज्वाइन किया आपने धन्यवाद आप सबका और आगे ऐसे ही हम और नए प्रोग्राम आते रहेंगे शायद कल एनएलपी या इन द कमिंग वन और टू डेज देयर इज अ प्लान टू हैव एनएलपी दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनएलपी दे मे ज्वाइन द एनएलपी सो चारे पूनम गोयल जी विल शेयर द डिटेल्स ऑफ एनएलपी So you may keep checking on your WhatsApps, जो आपने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हमारे वाले अगर नहीं किया तो उस पे लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू थैंक्स अ लॉट नमस्कार आप सब लोगों को धन्यवाद थैंक यू नमस्कार थैंक यू थैंक यू गुड नाइट थैंक यू थैंक यू अच्छा वी डू वी हैव टू यूज द प्लास्टिक बॉटल और अ ग्लास बॉटल एनी बॉटल सॉरी एनी बॉटल विल डू इट्स योर एनर्जी यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ओके थैंक यू सॉरी थैंक यू It's okay. Bye.